सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हो मीटॉक। आज मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ जो डिजीनेम के साथ कैसे हम लोग अपना जो गूगल एनालिटिक्स है इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है गूगल एनालिटिक्स क्या होता है तो उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, साथ साथ आई बटन में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हो कैसे गूगल अकाउंट में गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में कैसे हम लोग अकाउंट खोलते हैं। एंड साथ ही साथ डिजीनेम की तरफ से जो वर्डप्रेस के साथ अभी फ्री होस्टिंग दिया गया है 1 ईयर का, उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, उसका भी आई बटन में लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो इजीली कैसे हम लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स का एंड 1 ईयर का फ्री होस्टिंग ले सकते हैं वर्डप्रेस से, जो कि CSC की तरफ से अभी डिजीनेम ने दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए चले शुरू करते हैं आज के वीडियो और हम दिखाते हैं कैसे हम लोग अपना गूगल एनालिटिक्स को वर्डप्रेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ गए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेना है। ब्राउज़र खोल के देखिए, मैं गूगल एनालिटिक्स के वेबसाइट में मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अगर आपको पता नहीं है गूगल एनालिटिक्स में अकाउंट कैसे खोलते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, साथ ही साथ आई बटन में एक वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे हम लोग गूगल एनालिटिक्स में अकाउंट खोलते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं मेरा वेबसाइट में दिखा, जैसे कि मीटॉक्स मेरा वेबसाइट है, इसमें मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ न्यू वर्डप्रेस के होस्टिंग के साथ। अगर आपको पूरा डिटेल्स में जानना है कैसे हम लोग वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, उसका मैं अलग अलग सा वीडियो बना के रखा हूँ, उसका प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन में लिंक दे दिया, वहां से आप देख सकते हो कैसे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं अपना वेबसाइट डिजीनेम के साथ। ठीक है, तो यहां पे हम बात करने वाले हैं इस वेबसाइट को कैसे हम लोग गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आपको डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाना है, जैसे कि मैं पहले ही डैशबोर्ड में लॉगिन हो गया हूं। अगर आपको डैशबोर्ड में लॉगिन होने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसका भी मैं अलग से वीडियो बना के रखा है, वो आप देख सकते हो, उसका प्लेलिस्ट साथ आई बटन में लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपने डैशबोर्ड में आ जाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो वेबसाइट देखिए यहाँ पे elcc.co.in एंड यहाँ पे देखिए elcc.co.in सेम वेबसाइट है। अभी हम चलेंगे देखिए यहाँ पे, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स को अटैच करने वाले हैं, उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे अपीयरेंस में, डैशबोर्ड में वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में जाने के बाद अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखा हुआ थीम ऑप्शन, आपको थीम ऑप्शन में क्लिक कर देना है। थीम ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोगो कैसे चेंज करते हैं, फुटर कैसे लगाते हैं, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे पूरा डिटेल्स मिल जाता है। तो हम बात करने वाले हैं हम लोग गूगल एनालिटिक्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा है गूगल एनालिटिक्स, आपको गूगल एनालिटिक्स में क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका ट्रैकिंग आईडी डालना है। तो ये ट्रैकिंग आईडी आपको कहाँ से मिलेंगे, वो ट्रैकिंग आईडी आपको मिलेंगे अपना गूगल अकाउंट्स के लॉगिन में होने के बाद। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एडमिन, एडमिन में जाएंगे। एडमिन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ट्रैकिंग इन्फो मिलता है। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ ट्रैकिंग इन्फो, आपको ट्रैकिंग इन्फो में क्लिक कर देना है और उसके बाद ट्रैकिंग कोड, आपको ट्रैकिंग कोड में क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाता है, तो उस ट्रैकिंग आईडी को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको अपना डैशबोर्ड में जाके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बार इसको सेव कर देना है। मैं यहाँ पे सेव कर दिया, मेरा सेव हो गया। हम चलेंगे फिर से डैशबोर्ड में और यहाँ पे हम एनालिटिक्स गूगल एनालिटिक्स में होम पेज में चलेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका कस्टमर्स हो या व्यूअर्स हो, जो भी आपका वेबसाइट विजिटर्स हो, विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका एनालिटिक्स मिल जाएंगे, मतलब हर दिन महीने में कितना विजिटर्स आपको वेबसाइट में विजिट कर रहा है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, अगर अभी मेरा विजिट में भी कोई विजिट करेगा तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे सामने आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले लॉगिन करके रखा हूँ, मेरा वेबसाइट में विजिट करके रखा हूँ, तो उसको डाटा आने में 10 से 15 मिनट लग जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम विजिट करने में। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग अपना गूगल एनालिटिक्स को वर्डप्रेस के होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा वेबसाइट में कितने लोग विजिट कर रहे हैं हर दिन। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग गूगल एनालिटिक्स को हम लोग वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई भी परेशानी आपको आ रहा है उसको लिंक करने में, गूगल एनालिटिक्स को लिंक करने में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसका सलूशन दूंगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो देख के आपको पसंद आया, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा फ्यूचर वीडियो नोटिफिकेशन में मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।